वेलकम हर्ष, टीना एंड जिमी एज कब्रिस्तान के तीन भूत। कसम पैदा करने वाले की, मेरे फैंस इसी तरह चीखते चिल्लाते रहते हैं। फैन होगा तेरा चाचा, मैं भूत हूँ, भूत हूँ, भूत। भूतों के भूत से डरता है? इतना भंटन के कहाँ अपना मुंह सफेद करने जा रहा है? मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ। यहाँ पर आइटम आने वाली है, क्या लगती है? वो मेरी गर्लफ्रेंड लगती है। बड़े आलम पे रखा है ये सनम, तेरी कसम, ओ सनम तेरी कसम, भूतों की दुनिया में ये पहला कदम, ओ पहला कदम। क्या माल है? अरे मुझे उठाओ। पहले कदम पे गिर गई, गिरी हुई भूतनी। ओए, भूतों से बात करने की तमीज नहीं तुझे? होठ भूतनी तो सिर्फ मेरी है, कोई शक? ओए, तूने फिर डिसाइड कर लिया यार? ये स्क्रिप्ट में भी ऐसे करता, पहले डिसाइड कर लेता, अच्छी है पर साथ नंबर आते हैं यार। वो तो इसलिए आते, तू बहुत गंदा परफॉर्म करता है। ओए, ओए। ए, तुम लोग कृष्णा और सुदेश नहीं हो जो कैरेक्टर के बाहर जाके नंबर लेके आओगे। कल कब्रिस्तान के बाहर मैं एक औरत को डराने के लिए जोर से हंस दिया, वो मुझसे भी ज्यादा जोर से हंस गई। माइंड ब्लोइंग कर 9 नंबर छिपका के चली गई। ओ भाई, तू ऐसी मनगढ़ंत कहानी सुनाएगा तो आज 9 का उल्टा मिल जाएगा। तुम लोगों को मर के भी नंबरों की पड़ी है? यही होता है रियलिटी शोज में, इससे अच्छा तो अपना डेली सोप है। तुझे तो एग्री होना ही पड़ेगा, पिछली बार प्रोड्यूसर से डिसएग्री हुआ था, सेकंड एपिसोड में मार दिया इसको, तब से यहाँ भटक रहा है। ए, कोई पानी पिलाओ। भूतों की दुनिया में पानी नहीं मिलता है, सिर्फ खून मिलेगा। कौन सा चाहिए, रेगुलर या मिनरल? इन दोनों में क्या फर्क है? रेगुलर गरीब का खून होता है और मिनरल गरीब का ही होता है, लेकिन अमीर से फिल्टर होके आता है। अरे वाह, यहाँ पे भी इतना फैसिलिटीज मिलता है, ये तो इंसानों की दुनिया जैसी है। वो इसलिए क्योंकि इंसान वो काम करने लगा है जो कभी भूत किया करते थे। पहले भूत इंसानों का खून पीते थे, अब इंसान ही इंसान का खून पी रहा है। यार एक मिनट, तुम लोग रहमान थोड़े हो जो सीरियस एक्टिंग करके बड़े बड़े मार्क्स लेके निकल जाओगे। यार कॉमेडी करने आए, कॉमेडी। कहां से कॉमेडी करे? हाँ, एक औरत ने हमारी हंसी चुरा ली और उसी हंसी से पैसा कमा रही है। इतना पैसा कमा के जाएगी कहाँ? 2012 में दुनिया खत्म होने के बाद तुझे हमारे ही बीच आना होगा। इसीलिए सोच समझ के नंबर भी देना होगा। तालियां भारती के लिए। कॉमेडी सर्कस वाले आपको बड़े अच्छे लगते होंगे, लेकिन मेरी तो आते ही इंसल्ट कर दी बहुत बड़ी। गाड़ी नहीं भेजी एयरपोर्ट पे, मैंने कहा चलो भी नया शो है तो थोड़ा, मैं कहा मैं खुद की टैक्सी करके चली जाती हूँ। मैंने टैक्सी वाले भैया को कहा, मैं कहा भैया चलोगे? कहता चलेंगे मैडम, क्यों ना चलेंगे। मैंने कहा भैया कितने पैसे? तो मुझे ऊपर से लेके नीचे तक देखा, बोला 20 रुपये किलो। मोटापे पे तो बहुत ज़्यादा ये लोग पंच मोटापे पे। खूबसूरती भी काफ़ी है हमारे इस सेट पे, जैसे कि रोशनी बहुत ही प्यारी है, टांगे इसकी पूरी बड़ी प्यारी है, लेकिन लिप्स ज्यादा प्यारे हैं पूरे ऐसे। इनके लिप्स देखे ऐसे लगता है कि माँ बाप ने हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया इनके लिप्स। बच्चे बड़े प्यारे होते हैं, समझदार। अब रोहित जी ऐसी प्यारी बच्ची है लल्ली, होली वाले दिन मेरे घर आ गई। मोटी दरवाजा खोल। दरवाजा खोला, देखा लल्ली हैप्पी होली। हैप्पी होली। देखा लल्ली 5-6 पिचकारियां। देखा लल्ली 1 पिचकारी दे दे। मैंने दाने। मैंने भी लोगों को भिगोना है। तुम्हें पिचकारी की कोई जरूरत नहीं है। बदतमीज अपने मुंह में पानी भर के चूल्ही कर 5-6 बंदे भिगो सकती है। अब
इतनी खुश? मैंने कहा नली होली के दिन इतनी खुश क्यों? मैं इसलिए खुश हूँ कि आज हमारी बकरी ने अंडा दिया। मैं कहा डफर ही हो तुम। मैं कहा तुम्हें ये भी नहीं पता कि बेटे बकरी अंडा नहीं देती, मुर्गी अंडा देती है। मेरे को पता है, हमने अपनी ना मुर्गी का नाम बकरी रखा हुआ है। थैंक यू सो मच। बड़ा मजा आ रहा है ये कॉमेडी सर्कस का पूरा एक्सपीरियंस, और मेरी फेवरेट जोड़ी के साथ मैं डेंजर जोन में आया हूँ। जो भी होगा देखा जाएगा, अच्छा ही लगेगा। गेम शोज देखते हम लोग, सब लोग बोलते हैं कि घंटा बैठे रहते हैं, ज्ञान बढ़ता है, नॉलेज बढ़ता है। 10 कदम, उसमें भी बहुत इंटेलिजेंट सवाल पूछे जाते हैं। कितने प्रतिशत भारतीय पुरुष पैंट के अंदर अंडरवेयर पहनते हैं? और उस पर भी विचार विमर्श किया जाता है। पंजाब में तो कच्छा पहनते हैं, यूपी में लंगोट पहनते हैं। 30%, 30%, ऊपर 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 ऊपर, नीचे 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 नीचे, ऊपर 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 ऊपर, नीचे नीचे नीचे। अरे मैं बोलता हूँ ऊपर कहाँ जा रहे हो यार, नीचे आओ, पैंट खोलो, देखो, अभी पता चले। और एक आया था सच का सामना। अर्चना जी, वो वाइफ के साथ बैठ के देखना बहुत बड़ा टास्क था। वहां कुछ सवाल आता है, 12 साल की आपकी शादी में किसी गैर औरत के साथ आपके संबंध रहे हैं, तो आपकी वाइफ आपको देखती है, हस्बैंड को लगता है कि सारे सवाल अपने लग रहे हैं, मुझे क्या देख रही है? नहीं नहीं, आप होते तो क्या जवाब देते? अब उधर आदमी जो आता है बंदा, मेरा मानना ऐसा है कि इंसान को सच बोलना चाहिए, मेरी वाइफ भी बोलती है कि मैं सच बोलता हूँ। अब इनके साथ जो वाइफ आती है ना, आपने गौर किया होगा उसका शक्ल ऐसा होता है। आदमी भी सोचता है रोज रोज इसका सामना करने से अच्छा है एक बार सच का सामना कर लो यार। तीसरे पड़ाव पे डेंजर क्वेश्चन आते हैं। 15 साल की आपकी शादी में आपके 2 बच्चे तो हैं, लेकिन कोई और भी नाजायज बच्चा है? अब ये सच बोलने जो बैठा है बंदा, नहीं, ये जवाब सच है। आदमी मन ही मन सोचता है आज मशीन को भी बेवकूफ बना दिया। थैंक यू। हेलो, हाँ जी, अमेरिका शो है? नहीं, आई एम वेरी बिजी, मैं नहीं आ सकता। ऐसा करो, आप ऑडियंस को लेकर इंडिया जा जाओ। देखो, अगर आपके पास ऑडियंस का बजट नहीं तो एक स्टार का बजट क्या होगा? आई एम सॉरी, फोन रख के साले। मेरे में घमंड नहीं है, वैसे पता क्या है, मेरे पास वीजा नहीं है ना अमेरिका का। इसीलिए तो अमेरिकन एम्बेसी में आया हूँ वीजा लगवाने के लिए। तो यहाँ पे हरी पेना जी, बिना परमिशन के तुम अंदर कैसे घुसे? यार कमाल कर रहे हो, आपके अमेरिका में बिना परमिशन के जहाज घुस जाते हैं, हम अम्बेसी में नहीं घुस सकते। ये बताओ काम क्या है? जी बस एक बढ़िया सा ना वीजा बना दो। इससे पहले तुम फॉरेन गए हो? गए हो? जी मैं कनाडा, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड तो नहीं गया। बाकी इधर हांगकांग, दुबई वगैरह तो मैं कई बार कोशिश कर चुका हूँ, वीजा नहीं लग रहा मेरा। Disgusting. देखो, तुम्हें 1 हफ्ते से ज्यादा वीजा नहीं मिल सकता। मिल तो जाएगा ना? हाँ। तो फिर मैं पासपोर्ट बनवा लूं? What? मेरा मतलब है इस बार मैं अपना बनवा लूं, कब तक मैं दूसरों के पासपोर्ट पे जाता रहूंगा? अब समझते नहीं हूँ मैं दूसरों के, मतलब वो अपने ही है, रोहित जी को प्राय थोड़ी, अगर वो मेरे राशन कार्ड पे अपने घर का राशन ला सकते तो मैं उनके पासपोर्ट पे बाहर नहीं जा सकता। ये लाओ तुम्हारा वीजा और ये लाओ तुम्हारा पासपोर्ट। पासपोर्ट तो मैंने सुना था पासपोर्ट ऑफिस में जाना पड़ता है बनवाने के लिए। अबे 10 मिनट के स्क्रिप्ट में कहाँ कहाँ भाग गए? चलो यार शुक्र है। <शुकरें। laughs>
ऑडियो ध्यान प्लीज ध्यान। ए वीडियो की तरफ नहीं ऑडियो की तरफ ध्यान दो। मुंबई से अमेरिका जाने वाले जितने यात्री हैं ना वो विमान की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। सिर्फ एक ज्यादा सुदेश नाम का आदमी अभी तक नहीं पहुंचा। एक्सक्यूज मी आप सुदेश हो? चलो शुक्र है किसी ने तो पहचाना। पहचाना नहीं कुतरिया मैं पूछ रही हूँ। तुम सुदेश हो? तो यहाँ क्यों खड़ा है बे? 10 मिनट से वहां प्लेन रुका हुआ है। सामान कहाँ है तेरा? एक गंदा आदमी। कोई आया नहीं अभी तक? अरे सब तेरा वेट वेट करके पैदल निकल चुके हैं अमेरिका। आधे लोग तो पहुंच भी चुके हैं, मुझे फोन भी आ गया है। अभी तू यहाँ आराम से बैठ और मेरा इंस्ट्रक्शन सुन। चेयर किधर है? अबे तू लगेज में बुक हुआ है कुतरिया। चेयर बैठ नीचे बैठ। इस विमान में 2 द्वार आगे। देख इधर देख, तेरी नौकर नहीं हूं मैं, बार बार नहीं दिखाऊंगी मैं। इस विमान में 2 द्वार आगे और 2 द्वार पीछे है। और ये औरत बोर करेगी मेरे को, मैं तो फॉरवर्ड ही कर दूंगा। हमारा विमान 10 मिनट में मुंबई से अमेरिका पहुंच जाएगा। सर आपको हमारी सर्विस कैसी लगी? सर देखो मैं तो सच्ची बात करूंगा, मुझे नहीं अच्छी लगी। हरामजादे 10 मिनट में तुझे अमेरिका पहुंचा रही हूँ, इससे अच्छी सर्विस तुझे कहाँ मिलेगी? और तू प्यार से बात कर, मेरे से गुस्सा थूक दे यार तू। थू। और कुछ लेंगे सर? क्या क्या है? सर खाने में चिकन लेग पीस मिलेगा सर। देखो मैं प्योर वेज हूँ, बकरा वगैरह मिलेगा? अबे क्या बकरा है, मेरा टाइम वेस्ट करे, जल्दी बोल मुझे प्लेन भी चलाना है। और पायलट भी तू है? हाँ तो मैं ना ट्रक इतना फास्ट चलाती थी ना, लोग कहते थे ये तो पायलट है। तभी मेरी नौकरी लगी, ऐसी वैसी नहीं हूँ मैं। अब बैठ इधर, प्लेन चलाऊ मैं पहले। यार मेरी किस्मत ही खराब है यार जिंदगी। ओए ओए मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरी तो डांसर ही नहीं आई यार। मैं तेरे थप्पड़ मारना जहाज में डांस कर रही, उल्टा ना तू कहाँ थी? सॉरी सुदेश जी, वो क्या है ना, मैं कृष्णा की वजह से लेट गई। आई मीन लेट आई। आपको पता है सुदेश जी, कृष्णा मुझे रेस्टोरेंट ले गया। रेस्टोरेंट में? आम तौर पे तो वो होटल में लेके जाता है। क्या कह रहे हो? इसका मतलब है वो बंदा सही नहीं है? नहीं नहीं वो बंदा ही सही है, जब खुल जाए तो फिर सही नहीं है। तुम्हें पता है कृष्णा क्या क्या करता है? मुझे कैसे पता होगा, अभी तक हम वहां तक नहीं पहुंचे। चलो फिर मैं पहुंचाता हूँ। तो पता है क्या करता है, पहले ऐसे हाथ पड़ेगा। हाय मनीषा तुम्हारे हाथ बड़े प्यारे हैं, नाखून अपने बड़े प्यारे, ओए खुशबू बड़ी शानदार है ऐसे। फिर लड़की को मजा आने लगता है, आ रहा ना? थैंक यू। तो फिर ऐसे ऐसे बढ़ता बढ़ता। लेकिन आपको ये सब कैसे पता? तुम क्या समझती हो कि मैंने सिर्फ उसको कॉमेडी सिखाई है? जहाजगढ़ के वासियों, ये जहाज हाईजैक हो चुका है। अबे जो कुछ भी है तेरे पास निकाल। चल जीप खोल। ये जीप। सर जी आप इतने बड़े आतंकवादी, ये गन रखो पास। कोई शरीफ बंदा मिल गया तो शरीफी शर्मिंदगी से मारे जाओगे, पास रखो। ओ तूने एक स्टार को थप्पड़ मारा? तूने बाप का दूध पिया ना, इसको मार के दिखा। सुदेश जी आपने मुझे थप्पड़ क्यों लगवाया? क्योंकि आती बार तो मुझे ये ना कहे कि लहरी अकेला ही पिटा था।
आज आपको आपकी मर्दानगी का सबूत देना होगा। पहले नहीं कहा जब ये नहीं आया था मर्दानगी का सबूत देना होगा। इसको मैं गोली मार दूंगा, ये बहुत बड़ा कुतरा है। अरे सुदेश जी, गोली बाजू से निकल गई है। तो फिर बता तो सही, मैं मर जाता तो एक्ट यही खत्म हो जाना था। तू मरा नहीं साले, तुझे क्या लगता है कि तू बहुत अच्छी कॉमेडी करेगा और सरदार बहुत खुश होगा, सबासी देगा। सर जी एक बार उसे चेक दे दो, खुशी भी होगा सबासी भी देगा। अब हमारे सारे पंच खत्म हो चुके हैं, अब एक ही चीज बची है, ए छमिया, जब तक तेरे पैर चलेंगे तब तक इस कुतरे की सांसें चलेंगी।